स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डेविड वार्नर, इस खिलाड़ी के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है। वर्ल्ड कप की शुरुआत होने से पहले इस खिलाड़ी के बारे में कई दिग्गजों ने कहा था कि ये खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, और तकरीबन वार्नर भी उसी राह पर निकल चुके हैं। अब तक वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले हैं और उनके बल्ले से 255 रन निकल चुके हैं, और इसी के साथ टूर्नामेंट में टॉप रन गेटर्स की लिस्ट में वो फिलहाल नंबर 2 पर हैं। उनसे आगे बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन हैं, जिनके उनसे सिर्फ 5 रन ज्यादा हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वार्नर ने मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ अपने फैंस का दिल जीता। वार्नर ने तकरीबन 1 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ा, और ये शतक उनके करियर का सबसे शानदार शतक रहा, क्योंकि बॉल टेम्परिंग विवाद से वापसी करते हुए उन्हें खुद भरोसा नहीं था कि वो एक बार फिर से शतक लगा पाएंगे, और इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी से मिले सपोर्ट को दिया। I was always coming back to international cricket if selected. The thing that kept me going was my wife and my kids. Got great support at home, my family, and my wife is just she's just my rock. She's unbelievable. She's determined, disciplined, selfless, and I hold a lot of credit to her. She's a strong woman, and she got me out of bed a lot in those sort of first sort of 12 weeks, and got me back running and training hard as I could, and prepared for sort of the other formats of the game that I was playing and I did play. So it was just to maintain my level of fitness and just hard work, and she really nailed that into me. ये तो रही मैच की बात। मैच के बाद ऑटोग्राफ देते वक्त डेविड वार्नर ने एक ऑस्ट्रेलियाई बच्चे को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया, जो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद मिला था, जिसके बाद दुनिया भर में डेविड वार्नर के इस कदम को सराहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।